नंबर टू पे जो एनिमे है वो एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर है जो अपने डिस्टिंक्टिव स्टोरी टेलिंग और डार्क सेटिंग के लिए जानी जाती है। इस एनिमे की स्टोरी एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी को फॉलो करती है जिसे एक मिस्टीरियस नोटबुक मिलता है जिसका नाम डेथ नोट है। ये नोटबुक एक शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ से बिलोंग करता है जिसका नाम रियुक होता है। इस नोटबुक की पावर्स का पता तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब भी कोई इस पे किसी का नाम लिखेगा और नाम लिखते वक्त अगर वो उसके फेस को याद करेगा तो ये नोटबुक उसकी जान ले लेगी। वेल, इस पावर का यूज यागामी क्रिमिनल्स को मारने में करने लगता है जिससे ग्लोबल क्राइम रेट्स काफी घट जाते हैं और इन्हीं एक्शन के कारण लोग इसे एक निकनेम देते हैं, कायरा। क्रिमिनल्स के लगातार हो रहे मिस्टीरियस डेथ डिटेक्टिव एल का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और उसे शक हो जाता है कि लाइट ही दरअसल कायरा है। इस एनिमे में तुम्हें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ साथ साइकोलॉजिकल डेप्थ भी देखने को मिलेगा जिससे ये एनिमे और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब देखो, डेथ नोट सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है बल्कि ये जस्टिस और मोरालिटी के ग्रे एरियाज को भी एक्सप्लोर करती है। इसे देखने के बाद तुम खुद से ये सवाल पूछोगे, इज इट राइट टू किल क्रिमिनल्स इफ इट मींस रिड्यूसिंग क्राइम, और हु गेट्स टू डिसाइड हु लिव्स एंड हु डाइज। इस एनिमे का एक ही सीजन है जिसमें टोटल 37 एपिसोड्स हैं और इसके IMDb रेटिंग 8.9 है।